जो भी महिलाएं संतान चाहती हैं, मां बनना चाहती हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को वो जरूरी से अपने आहार में शामिल करें। तो ऐसी ही एक सरल सी चीज आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको पीरियड से ही चालू कर देना है। और ये कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है कि जिसको रेस्ट्रिक्शन रहे खाने में कि इस टाइम खाना है, इस टाइम नहीं खाना। पूरी आजादी है कि आप इसे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे आपको। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब सहेली में प्यारे प्यारे दर्शकों का। आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे बहुत सारे वीडियोस हर प्रकार की इनफर्टिलिटी इश्यूज पर बनाए गए हैं, आपसे शेयर किए गए हैं, उनको आप जरूर देखें। तो वो कौन सी चीज है जो कि फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, आप अगर रेगुलर लेते हैं उसके नतीजे बहुत ही शानदार है। वो बच्चों को डिफेक्ट, जो गर्भ में शिशु में डिफेक्ट आ जाते हैं उनसे बचाती है, आपको बहुत एनर्जी देती है प्रेगनेंसी में, यूट्रस की परत को तैयार करने में हेल्प करती है, वेट लॉस करने में हेल्प करती है। जो भी इनफर्टिलिटी इशू है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, जो भी रीजन है, जो भी कॉज है इनफर्टिलिटी का, हर कंडीशन में आप उसको खा सकते हैं। पीसीओडी के पेशेंट उसको जरूर इस्तेमाल करें, ये गर्भपात होने से बचाती है। अंडों की गुणवत्ता अच्छी हो उसके लिए आपके शरीर को जरूरी पोषण देती है। और भी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो कि लिस्ट करना कठिन होगा एक वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ बीटरूट की। चुकंदर, चुकंदर कैसे खाना चाहिए? आपको आईवीएफ कराना है, आईयूआई कराना है, बहुत पैसा लगा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी सी चीज जरूर अपने रूटीन में आप शामिल करें, जिससे कि आपका इतनी मेहनत, इतना खर्च जो आप कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। और प्राकृतिक गर्भधारण करने वाली महिलाओं के लिए मेडिसिन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रीनेटल विटामिंस छोड़ दें। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो दवा नहीं ले पाती हैं, जिनके लिए एक्सेस नहीं है या कुछ समस्या है, तो वो खान पान से अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त बना सकती हैं कि शिशु में डिफेक्ट नहीं आएगा और मिसकैरेज भी नहीं होगा। चलिए हम जानते हैं कि बीटरूट को कब से खाना चाहिए और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। चुकंदर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिसर्च में पाया गया कि यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। तो यानी कि यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा तो यूट्रस की मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचेगा और उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी, यूट्रस की लेयर बहुत अच्छे से तैयार होगी, हार्मोन संतुलित रहेंगे और गर्भधारण बहुत सुगमता से हो जाएगा। इतना ही नहीं, बीटरूट के अंदर पोटेशियम इतनी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आपको अगर ओवेरियन में सिस्ट है तो भी बीटरूट आपको काफी फायदा दे सकता है। स्टडीज कहती है कि बीटरूट को अकेले या अलग अलग कॉम्बिनेशंस में खाया जाता है तो पुरुषों में और महिलाओं में अंडों और स्पर्म की क्वालिटी काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। वेट लॉस करना चाहते हैं पीसीओडी में तो बीटरूट आपको काफी हेल्प करेगा। इसको अपने डाइट में जरूर शामिल करें, दिन में एक बार कम से कम। बीटरूट आपके हार्मोन संतुलन में भी बहुत मदद करता है, जैसे कि ये शरीर में बन रहे एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बनना आज के समय में कॉमन है, क्योंकि केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा है घर में, प्लास्टिक का, डिस्पोजेबल का, और कई तरीकों से, कॉस्मेटिक से, क्रीम से, लोशन से, कई तरह से हम केमिकल लेते चले जा रहे हैं, तो हमारा केमिकल एक्सपोजर ज्यादा है, इससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है महिलाओं के शरीर में। तो बीटरूट खाने से एस्ट्रोजन का जो बढ़ा हुआ स्तर है उसको लीवर की मदद से शरीर से निकाल देता है और आपके हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं। तो बीटरूट है एक छोटी सी चीज, सर्दियों में सब जगह मिल जाता है, मोस्ट ऑफ शहरों में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वो ऑनलाइन भी पूरे साल आपको उपलब्ध रहता है। और आप चाहें तो आपके घर में छोटी सी अगर जगह हो या गमले हो बड़े, तो उनमें घर में भी आप इसे उगा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो आधा बीटरूट खाना चाहिए एक दिन में, या फिर एक छोटा बीटरूट आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपल आइडिया ये है कि बीटरूट को पील ऑफ किया और आपने उसको सलाद के तौर पर खा लिया। अगर गाजर के साथ, आंवले के साथ जूस बनाते हैं ये भी एक अच्छी बात है, टमाटर के साथ जूस बनाते हैं ये भी एक अच्छी बात है, आप इसका सूप बनाते हैं वो भी अच्छी बात है, दाल सब्जी में ऐड करके खाते हैं तो वो भी एक बेहतरीन आइडिया है। बीटरूट को आप कई तरीके से खा सकते हैं। कई बार ऐसा है कि आप इसे अगर कच्चा ही खाते रहें तो थोड़ा से ऑक्सलेट की वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पकाकर खाएं, हमेशा ही इसको कच्चा कंज्यूम ना करें। पीरियड्स शुरू होने के साथ ही आप बीटरूट का सेवन चालू कर दें और इसको पूरे महीने आप कंज्यूम करें। इससे कोई गर्मी नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी को गलत फहमियाँ हैं तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि ये चीज़ गर्म होती है, ये चीज़ इस तरीके की होती है, साइड इफेक्ट हो सकता है। जी, जो भी मैं आइडिया बता रही हूँ डाइट्री है, ये कोई मेडिसिन नहीं है।
और इसको अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं तो आपको इसका फायदा ही होगा। आशा करती हूँ कि चुकंदर का सही प्रयोग अब से आप जरूर करेंगे, और अगर पहले से कर रही है तो मुझे कमेंट में लिखें ताकि हमारी बाकी सहेलियों को मोटिवेशन मिले कि हाँ बहुत सारी महिलाएं इन तरीकों को अपना रही हैं, सही तरीकों को अपना रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।